छात्रों, कक्षा 12वीं बही खाता लेखा कर्म के अध्याय 4.3 के अंतर्गत हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं नए सहायक के प्रवेश के दशाएं। इस स्थिति में हमने पूर्व में देखा था साझेदारी के प्रवेश में कि जब कोई फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदारी संगठन का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। और इस पुनर्गठन की दशा में सबसे पहले तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है पुराने साझेदारों। इसके साथ ही जो ख्याति है, जो फर्म की ख्याति है, ख्याति का मूल्यांकन, इसको हमने देखा था। अब यहाँ पर तीसरी स्थिति में जब नया साझेदार फर्म में आया है तो जो फर्म के पुराने संचय और अवतरित लाभ हानि, इसको हम खाते में इस राशि को ट्रांसफर करते हैं। साथ ही पुनर्मूल्यांकन खाता भी हम देखेंगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो संपत्ति और दायित्व हैं उनका क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन होता है। इस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में लाभ होता है या हानि होती है, और ये लाभ और हानि जो है ये पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर हम आज इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे संचय अवतरित लाभ हानि खाते का हस्तांतरण, इससे संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ और संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, उसकी जनरल प्रविष्टि और जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो किस प्रकार से बनता है हम उसको समझेंगे। ये हमारे सामने संचय अवतरित लाभ एवं लाभ हानि खाते का हस्तांतरण। तो जब एक नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म के आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में कुछ राशि विभिन्न संचयों में लाभ हानि खाते में रोके गए लाभ के रूप में एवं अन्य कोष में उपस्थित हो सकती है। क्योंकि ये लाभ जो हैं पुराने साझेदारों के द्वारा अर्जित किए गए, ये कौन के द्वारा, पुराने साझेदारों के द्वारा अर्जित किए गए थे, और इन लाभ व संचय का जो अधिकार है वो किसको होता है, पुराने साझेदार को। तो यहाँ पर जो पुराने साझेदारों को जब इनको अधिकार है तो इस कारण नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। अर्थात जो यहाँ पर जो है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि अनुपात में संचय और अवतरित, यहाँ पर जो अवतरित लाभ एवं हानि खाता है उसका जो शेष है इसको हम पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में वितरित कर देते हैं। साथ ही इस व्यवहार से ये संचय व जो लाभ हानि खाते ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे और नए फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ये नहीं दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जब देखा कि संचय और अवतरित लाभ एवं हानि का जो हस्तांतरण है वो उसको हम यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, साथ ही इसी प्रकार से फर्म के संपत्ति पक्ष में लाभ हानि खाते का डेबिट व कुछ कृत्रिम संपत्तियाँ भी हो सकती हैं जैसे प्रारंभिक व्यय, विज्ञापन व्यय वगैरह हैं, इन खातों को भी हम पुराने साझेदारों पे पूंजी खाते में पुराने अनुपात में जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारे सामने इस संबंध में जनरल प्रविष्टि, जबकि हम संचय अवतरित लाभ एवं लाभ हानि खाते में उसको हम हस्तांतरित कर देते हैं, संचय एवं अवतरित लाभ। इस संबंध में हम यहां जनरल प्रविष्टि देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता ये हो जाएगा डेबिट। फिर जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, सामान्य संचय, संचय ऐसा जो जनरल रिजर्व रखा हुआ है ये पुराने साझेदारों में बढ़ जाएगा। साथ ही अदर रिजर्व फंड, अन्य कोई जो रिजर्व फंड बना के रखे गए हैं जिनका कर्मचारी
ये क्षति पूर्ति फंड। वॉचमैन कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड, इसमें जो कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंटल या किसी भी प्रकार का कोई स्थिति बन जाती है तो उसके लिए जो है उनके भुगतान के लिए फंड बना के रखा जाता है। यदि उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो राशि आ गई। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो विनियोग फर्म के द्वारा जो विनियोग किए गए हैं, विनियोग में परिवर्तन जो उच्चावचन हुआ है, विनियोग में परिवर्तन उच्चावचन, इसकी जो राशि है, जो पुस्तकी मूल्य है विनियोग का और जो बाजार मूल्य है, इन दोनों में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके बीच में जो अंतर है वो भी राशि यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इन जो अकाउंट इनसे जो भी अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी और सी, मान लीजिए तीन साझेदार हैं, तो ये जो पुराने साझेदार हैं, ओल्ड ओल्ड पुराने साझेदार, इन साझेदारों में यहाँ पर उनके पुराने अनुपात में ये जो है संचय और अवतरित लाभ और साथ ही जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के फंड, साथ ही विनियोग में परिवर्तन की जो राशि है वो इन तीनों के खाते में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। विंग प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, ये अदर रिजर्व अन्य रिजर्व फंड, साथ ही कंपनसेशन फंड क्षतिपूर्ति फंड, साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो भी परिवर्तन हुआ है विनियोग में, इसको हम एग्रीगेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेटियो। ओल्ड प्रॉफिट पुराने अनुपात, पुराने अनुपात इनके बीच में परिवर्तन ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर हमने देखा कि संचय अवतरित लाभ एवं लाभ हानि खाते का जब हम हस्तांतरण करते हैं तो किस प्रकार से ये हम यहां पर जनरल प्रविष्टि करते हैं। तो ये तीसरी स्थिति है। अब हमारे सामने है चौथी स्थिति में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो यहां पर संपत्ति हमारे सामने है चौथी स्थिति, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो ये हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब साझेदारी संगठन में परिवर्तन होता है तो फर्म की जो भी संपत्तियां हैं, फर्म की जो भी दायित्व है, इनका पुनर्मूल्यांकन होता है। पुनर्मूल्यांकन से यहां पर तात्पर्य है कि जो पुस्तकीय मूल्य है और जो बाजार मूल्य है, तो यहां पर हो सकता है पुस्तकीय मूल्य कम हो, बाजार मूल्य ज्यादा हो, सकता है बाजार मूल्य ज्यादा हो, पुस्तकीय मूल्य कम हो, तो यहां दोनों स्थितियां बनती हैं। तो इस यहां पर हम संपत्ति और दायित्व के जो पुनर्मूल्यांकन करते हैं वो इसलिए करते हैं, साझेदारी संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है जब फर्म में नए साझेदार को हम सम्मिलित किया जाता है, तब और भी आवश्यक हो जाता है कि संपत्ति और दायित्वों का सही सही मूल्य आया जाए। ये इसलिए भी जरूरी है कि जो फर्म में नया साझेदार आ रहा है वो फर्म की वास्तविक स्थिति को समझ सके, जान सके, साथ ही वो ये भी समझ सके कि जो वो पूंजी उस फर्म में लगाने जा रहा है वो फर्म उचित है, सही है। तो यहाँ पर सही मूल्य जानने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही पुराने साझेदारों को ये लाभ होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुनर्मूल्यांकन होता है वो पुराने साझेदारों के लिए भी आवश्यक है कि फर्म की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाए। यहाँ पर जो पुराने साझेदार हैं उनको आज की स्थिति में कि वर्तमान में फर्म की वास्तविक स्थिति क्या है, अब पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप
संपत्ति की कीमत बढ़ जाने से उनकी क्या है, पूंजी में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जो पुनर्मूल्यांकन हुआ, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ है वो लाभ पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में या पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इससे पुराने साझेदारों की क्या है, पूंजी में वृद्धि हो जाती है। किसकी? पुराने साझेदारों। अब यहाँ पर जो नए साझेदार है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो जिस व्यापार में पूंजी लगा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर एवं मजबूत है। नए साझेदार के लिए वो ये समझता है नया साझेदार कि जो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उस पुनर्मूल्यांकन से उस फर्म की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, नया साझेदार इस बात को जान लेता है। वहीं पुराने साझेदारों को फर्म की आज की पोजीशन में वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन का लेखा करने के लिए हम क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता खोलते हैं। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष क्रेडिट दिखाता है तो वो हुआ पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है, और यदि डेबिट शेष दिखाता है तो ये पुनर्मूल्यांकन पर क्या है, हानि है। अर्थात यहाँ पर संपत्तियों और दायित्वों दो स्थितियां बनती हैं, या तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है या संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। उसी प्रकार से ठीक दायित्व में भी दायित्व में वृद्धि होती है या फिर दायित्व में कमी होती है। तो ये लाभ हानि जो है पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। इस खाते को हम क्या कहते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिपिएशन अकाउंट। यहाँ पर इसको हम लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। तो ये आपका संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने से पुराने साझेदार को और नए साझेदार को दोनों को क्या लाभ हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर हमारे सामने पुनः जब संपत्तियों और दायित्वों का हमने पुनर्मूल्यांकन किया तो यहाँ पर उससे संबंधित जो जनरल प्रविष्टियाँ हमारे सामने। अब संपत्ति पहली स्थिति है संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, भूमि है, भवन है, सीनरी है, फर्नीचर है, इनके मूल्यों में यदि वृद्धि होती है, जो पुस्तकी मूल्य में दर्ज था और जो वर्तमान में बाजार मूल्य में जो उसकी स्थिति है, तो यदि पुस्तकी मूल्य कम हुआ और बाजार मूल्य अधिक हुआ, इसका मतलब क्या है, संपत्ति के मूल्य में क्या है, वृद्धि है। तो इसमें जो प्रविष्टि होगी संपत्ति खाता डेबिट, ये पुनर्मूल्यांकन खाते से। तो यहां जब संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो संपत्ति खाता क्या हो गया, डेबिट हो गया और पुनर्मूल्यांकन खाते से। बींग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। अब इसके ठीक विपरीत स्थिति है हमारे सामने, संपत्ति का मूल्य घटने पर, जो संपत्ति पहले पुस्तकी मूल्य में ज्यादा की थी, डेप्रिसिएशन के कारण, मूल्यह्रास के कारण मान लीजिए उसकी कीमत में कमी आ गई, तो यहाँ पर जब हमने उसका वैल्यूएशन किया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर संपत्ति की कीमत में क्या आ गई, कमी आ गई। तो वो जो कमी है वो क्या है, संपत्ति का मूल्य घटने पर जो इसकी प्रविष्टि होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, मतलब यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, डेबिट होगा और संपत्ति खाता ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दूसरी जो स्थिति है संपत्ति का मूल्य घटने पर। अब तीसरी बात आती है लाइबिलिटीज की, दायित्व की। यहाँ पर यदि दायित्व में कमी आ गई तो ये एक प्रकार से जो फर्म के लिए फायदे की चीज है, जो फर्म के दायित्व थे वो क्या हो गए, कम हो गए यहाँ पर, तो लाइबिलिटीज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये प्रॉफिट की चीज़ है फर्म के लिए, फायदे की चीज़ है, यहाँ पर दायित्व उसके क्या हो गए, कम हो गए, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर और दायित्व में कमी आने, ये दोनों चीजें जो हैं एक फर्म के लिए लाभ की चीज है। वहीं जब हम देखते हैं कि यहाँ पर संपत्ति का मूल्य घटने पर और दायित्व में वृद्धि होने, तो यहाँ लाइबिलिटीज में क्या हो गई, इसकी वृद्धि हो गई, मतलब जो उसको व्यवसाय की फर्म की जो देनदारियां थी उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, अब उसको और ज्यादा भुगतान करना है, तो ये लाइबिलिटीज में वृद्धि हो गई, जो फर्म के लिए क्या है, ये हानिकारक है, नुकसानदेह है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि संपत्ति का मूल्य घटने पर और दायित्व में वृद्धि होने पर, ये दोनों किसकी स्थिति है, हानि की, ये दोनों स्थितियां हानि की, संपत्ति का मूल्य घटने पर और दायित्व में वृद्धि होने पर। तो यहाँ ये चार प्रकार की प्रविष्टियां होती हैं मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन जो हम करते हैं, तो संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर और संपत्ति का मूल्य घटने पर, दायित्व में लाइबिलिटीज में कमी आने पर और लाइबिलिटीज में वृद्धि होने पर, दायित्व में वृद्धि होने पर। ये जो प्रविष्टि होंगी पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, जब पुनर्मूल्यांकन से हमें लाभ हुआ, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मान लीजिए यहां पर ए बी सी ये ओल्ड पार्टनर हैं, तो इन तीनों के टू ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है, ये इनके पुराने अनुपात में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ है उसको हमने पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। दूसरी प्रविष्टि जो आती है पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर, पुनर्मूल्यांकन से हानि, अब यहां पर यदि जो हमने संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया था उससे यदि हानि होती, तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी जो जितने ए बी सी मान लीजिए ओल्ड पार्टनर हैं, तो ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और ये सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में जो हानि आई है उस हानि को हम इन तीनों के ए बी सी के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे, विंग लॉस ऑन रिवेल्युएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ये यहाँ पर ट्रांसफर पुराने अनुपात में हानि को किया गया। तो ये पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर और दूसरी स्थिति है पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर। तो यहाँ भी हमने देखा कि संपत्तियों और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत हम जनरल प्रविष्टि करते हैं, नंबर एक संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्तियों के मूल्य में हानि होने पर, वहीं दायित्व में वृद्धि होने पर और उसके साथ दायित्व में हानि होने पर, ये चारों स्थितियां जो हैं यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन में बनती ही बनती है। फिर जो लाभ होता है या जो हानि होती, कोई भी एक चीज होगी या तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ होगा या पुनर्मूल्यांकन से हानि होगी, तो उसको हम पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो लेखे क्रमांक 5-6 में जो है लाभ हानि का बंटवारा, ये ध्यान दें यहाँ पर पुराने लाभ हानि विभाजन के अनुपात में ही होगा, इसको पुराने साझेदारों को। तो यहां पर जो हमने ये पुनर्मूल्यांकन लाभ होगा या पुनर्मूल्यांकन हानि, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे ये किसमें करेंगे, पुराने लाभ हानि विभाजन के अनुपात में। दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाते के स्थान पर जो है हम लाभ हानि समायोजन खाता भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है या हानि है उसको हम साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने है पुनर्मूल्यांकन खाता
या लाभ हानि समायोजन खाता का प्रारूप पुनर्मूल्यांकन खाता या इसको हम बोलेंगे लाभ हानि समायोजन ये हमारे सामने पुनर्मूल्यांकन खाते का जो प्रारूप अभी हमने आपको बताया रिवेल्युएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट पक्ष हो गया और ये जो जनरल हमने प्रविष्टि देखी थी अभी यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट तो संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि और संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि हुई तो ये क्रेडिट पक्ष में जितने भी जो वृद्धि हुई है सभी प्रकार की संपत्तियां जो हमारे साथ सामने थी उन संपत्तियों में जितनी भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई उन सभी को हम याद बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज कमी दायित्व में जो भी लाइबिलिटीज थी व्यवसाय की फर्म की उसमें जो भी कमी आई है तो ये यहां पर उसकी जो प्रविष्टि थी जनरल प्रविष्टि उसको हमने यहां पर कमी दायित्व में यहां नोट किया यहां जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को हमने लिखा याद इसके बाद बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स ऐसी संपत्तियां जो रिकॉर्ड में नहीं थी इनका भी मूल्यांकन किया गया और इनको भी यहां पर जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स थे जो उन संपत्तियों की कीमत को हमने यहां पर लिखा इसके बाद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स कमी संपत्ति के मूल्य में कमी असेट्स संपत्ति के मूल्य में जो कमी आई है उसकी प्रविष्टि क्या थी रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स तो यहां पर जो संपत्ति की कीमत में कमी आई उसको हमने यहां पर लिखा और इसके बाद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज दायित्व में वृद्धि दायित्व में जो है वृद्धि यहां पर हमने लिखा और इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऐसे दायित्व जो रिकॉर्ड में नहीं थे बाद में हमारे सामने आए तो यह भी क्या है एक प्रकार के दायित्व में जो है हमारे लिए वृद्धि है तो यहां पर जब हमने दोनों का टोटल किया तो यदि जो भी बैलेंस है तो ये दिखाएगा हमारा हानि का पक्ष वाई लॉस ऑन रिवेल्युएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी साझेदार हैं हमारे पुराने ए बी और सी जो भी लॉस है उसको हम उनके खाते में दिखाएंगे हर एक का अलग अलग अमाउंट आएगा ये तीनों का इसी प्रकार से यहाँ पर यदि प्रॉफिट होता है कोई भी एक चीज़ होगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो तीनों साझेदारों में यहाँ पर ए बी और सी तीनों में यहाँ इस प्रकार से ये जो लाभ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हमारे सामने था पुनर्मूल्यांकन खाते का जो है प्रारूप आज के इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हमारे सामने हैं नए साझेदार के प्रवेश पर संचय व अवतरित लाभों का लेखा जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से हम करते हैं इसको आपको उल्लेख करना है और प्रश्न क्रमांक दो जो आपके सामने है नए साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता जो खोला जाता है उससे संबंधित आपको जनरल प्रविष्टि लिखना है।